Now the next is question number 3 from exercise 6.3. Question is, find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. 100 और 169 का square root हमें find करना है by using repeated subtraction method. Okay, solution start करते हैं. First one is 100. 100 का square root हमें find करना है और इसका square root find करने के लिए हम use करेंगे repeated subtraction method. As you know, repeated subtraction method में हमें successive odd natural number minus करने होते हैं. तो 100 से हम successive odd natural number minus करेंगे और माइनस करना स्टार्ट करना है हमें 1 से. तो सबसे पहले हम 100 में से 1 माइनस करेंगे. 100 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 99. माइनस करने पे जो आंसर मिलेगा उसमें से हमें नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करना है. तो अब हम 99 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर व्हिच इज 3. 99 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 96. After that, 96 में से minus करना है हमें next odd number which is 5. 96 minus 5 is equals to 91. Then 91 में से minus करेंगे हम next odd number 7. 91 minus 7 is equals to 84. Then 84 में से minus करना है हमें next odd number 9. 84 minus 9 is 75. After that, 75 में से minus करना है हमें next odd number 11 and it will give 64. Now 64 में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर 13. इट विल बी 51. आफ्टर दैट 51 में से माइनस करना है हमें नेक्स्ट ऑड नंबर 15. 51 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 36. देन 36 में से माइनस करना है हमें नेक्स्ट ऑड नंबर 17. 36 माइनस 17 इज इक्वल्स टू 19. एंड देन 19 में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर 19. 19 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0. अब आंसर हमें 0 मिल गया तो आगे माइनस नहीं करना. जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक हम माइनस करते जाएंगे. क्लियर? 0 आंसर मिलने के बाद अब हमें चेक करना है कि कितने स्टेप के बाद आंसर हमें 0 मिला. सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 स्टेप के बाद आंसर हमें 0 मिला. तो 100 का स्क्वायर रूट होगा 10. स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10 एंड दिस विल बी आंसर. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड पार्ट. नाउ द सेकंड वन इज 169. 169 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड. रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में हमें सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर को माइनस करना होता है. तो 169 में से हम ऑड नंबर माइनस करेंगे और स्टार्ट करना है हमें 1 से. सबसे पहले 169 में से माइनस करना है हमें 1. 169 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 168. देन 168 में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज 3. 168 माइनस 3 इज 165. आफ्टर दैट 165 में से माइनस करना है हमें नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज 5 एंड इट विल गिव 160. नाउ 160 में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर 7. इट विल बी 153. देन 153 में से माइनस करना है हमें नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज 9 एंड इट विल गिव 144. देन 144 में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर 11. इट विल गिव 133. आफ्टर दैट 133 में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर 13. 133 माइनस 13 इज 120. देन 120 में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर 15. 120 माइनस 15 इज 105. देन 105 में से माइनस करना है हमें 17. इट विल बी 88. आफ्टर दैट 88 में से माइनस करेंगे हम नेक्स्ट ऑड नंबर 19. इट विल गिव 69. देन 69 में से माइनस करना है हमें नेक्स्ट ऑड नंबर 21. 69 माइनस 21 इज 48. देन 48 में से माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 23. 48 माइनस 23 इज 25. एंड देन 25 में से माइनस करना है हमें नेक्स्ट ऑड नंबर विच इज 25. 25 माइनस 25 इज 0. आंसर 0 मिल गया, आगे माइनस नहीं करना. नाउ हमें काउंट करना है कि कितने स्टेप के बाद आंसर हमें 0 मिला. सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 स्टेप्स के बाद आंसर हमें 0 मिला. सो 169 का स्क्वायर रूट होगा 13. स्क्वायर रूट ऑफ 169
इज इक्वल्स टू 13. क्लियर, दिस विल बी आंसर. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3. विद दिस वी कंप्लीट आर क्वेश्चन नंबर 3. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक टूडेज वीडियो. योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. बाय बाय, टेक केयर.